स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गुड हैबिट्स विच वी शुड डू इन अवर डेली लाइफ. सो गेट स्टार्ट. टू बी अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, लेट्स सी सम ऑफ द गुड हैबिट्स. दीज हैबिट्स आर फ्रॉम आवर डेली लाइफ. आई स्लीप अर्ली इन द नाइट एंड वेक अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग. हमें हर रोज रात को जल्दी सो जाना चाहिए जिससे हम सुबह जल्दी उठ सकें. Then I brush my teeth. Brushing. 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 रोज सुबह जल्दी उठने के बाद हमें फ्रेश इनअप होना चाहिए और अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए. जब हम ब्रश करेंगे तो हमारे दांतों में जितने भी जर्म्स होंगे वो सब वॉश हो जाएंगे और हमारे दांत हेल्दी होंगे. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने दांतों को डेली ब्रश करना चाहिए. ब्रशिंग की स्पेलिंग क्या होती है, BRUSHING. Oh, that's me. Bathing. 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 I have my bath every day after I brush my teeth. I take a bath with fresh water, then I apply soap to my body and clean myself. This makes my body free from all germs and dust. This keeps my body clean. Bathing every day, once or more than once, makes us look fresh and beautiful. It also keeps us active and make us feel good all the day. So friends, don't forget to take a bath every day to keep yourself fresh and active. After taking brush, we should daily bath. हमें रोजाना फ्रेश वाटर से बात करना चाहिए. सोप को अपनी बॉडी पर अच्छे से लगाना चाहिए जिससे हमारे जितने भी सारे जर्म्स हैं बॉडी में वो सारे वॉश आउट हो जाएं और हमारी बॉडी हेल्दी बन जाए. जब हेल्दी हो जाएगी तो हमारी बॉडी एक्टिव भी होगी और हम फ्रेश भी फील करेंगे. इसलिए हमें डेली रूटीन में अपने बात करना चाहिए. ओके. After bathing, next comes dressing. 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 After taking a bath, I get myself dressed to go to the school. I start with my trouser and then I wear my shirt. I put my school tie and wear my belt, put my shoes on and get ready to school. Finally, by carrying my bag on my back. After taking bath, then we should wear uniform, school uniform. हमें क्या करना चाहिए, school uniform पहन कर ready हो जाना चाहिए with अपने shoes, tie and belt. ये सारी चीज़ें हमें अपनी properly carry करनी चाहिए और उसके बाद finally अपने school bag के साथ school के लिए जाना चाहिए. My sister start to school. Pray to God. To offer prayers is a good habit. Praying. PRAY. Pray. We pray to the God by offering our prayers to give us good fortune and to protect us from all the evil. हमें गॉड से प्रे करनी चाहिए. जब भी हम स्कूल जाएं तो जाने से पहले एक बार अपने भगवान से प्रे कीजिए और कहिए और थैंक यू बोलिए कि उन्होंने हमें फूड दिया और वो हमारी प्रोटेक्ट करते हैं. हमारी सारी परेशानियों से वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं.
तो हमें घर से निकलने से पहले एक बार अपने भगवान से, गॉड से प्रे करनी चाहिए। प्रे की स्पेलिंग PRAY। रेस्पेक्ट एल्डर्स, RESPECT। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स बाय ग्रीटिंग देम इज अ गुड हैबिट एवरीवन शुड हैव। We greet all our family members before going to school. Going to school, going to school every day without missing is a very good habit. On the way to school, if I see some, we should respect our elders. हमें स्कूल जाने से पहले अपने बड़ों से आदर से विशिंग करना चाहिए। रिस्पेक्टली विशिंग करेंगे, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, है ना, उसके बाद ही हमें स्कूल के लिए जाना चाहिए। But I know, I wish them. I say good morning or hello to them and greet them. स्कूल जाते समय अगर आपको कोई भी रास्ते में मिल जाता है तो हमें उसे ग्रीट करना चाहिए, विश करना चाहिए एंड से हेलो हेलो बोलना चाहिए, ठीक। Here is my school. That's the gate of my school. We enter the school and go to the classroom and get ourselves ready for the class teacher to come. हमें स्कूल डेली जाना चाहिए, कभी भी स्कूल को मिस नहीं करना चाहिए, ठीक। अगर हम कभी भी मिस कर देंगे तो हमारा जो वर्क है वो पीछे रह जाएगा और हम अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रोज़ाना स्कूल डेली जाना चाहिए। Once the class teacher comes, we wish her good morning. स्कूल जाने के बाद क्लास में अगर कोई भी टीचर, स्कूल में आपको कोई भी टीचर अगर आपको मिलेगी तो आप सबसे पहले उसे विश करेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे एंड देन वी शुड स्टार्ट स्टडी।